Last class, we started with chapter types of duties. What we have already seen in types of duties, those taxes, those duties which are normally payable under customs. हमें normally क्या क्या pay करना होता है? BCD, SWS, IGST and GST compensations. तो उसके बारे में हम लोग ने last session में देख लिया. अब आज के session में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ additional duties जो custom में और भी आपको pay करनी पड़ती है. वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, राइट? तो इन तीनों को हम लोग आज के सेशंस में देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. द फर्स्ट वी नीड टू से इज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज. क्या मतलब है इसका? प्रोटेक्टिव ड्यूटी का नाम से ही समझ में आता है, प्रोटेक्ट करने वाली ड्यूटी. गवर्नमेंट इस ड्यूटी को लगा के किसे प्रोटेक्ट करना चाहती है? गवर्नमेंट इस ड्यूटी को लगा के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर विदेश से ये जो माल आ रहा है इसकी वजह से हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सफर करेंगी, उनके हालात खराब हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस विदेशी माल पे ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा के उसे महंगा कर देती है ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का माल ज्यादा बिके. मान लीजिए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में 100 रुपए का बेचती है. विदेश से भी वही माल 100 रुपए का आना शुरू हो गया है और विदेश से जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर भी है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो सेल है वो रिड्यूस होने लग गई है. गवर्नमेंट को लग रहा है सफरिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होगी, सफर करेगी इसकी वजह से. तो एक काम करते हैं, वो जो विदेशी प्रोडक्ट है ना 100 रुपए का, उस पर एक ड्यूटी और लगा देते हैं, एंटी दिस प्रोटेक्टिव ड्यूटी. और इसको लगा देने से ये माल महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो वो कम बिकेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट तेजी से फिर से बिकना शुरू हो जाएंगे. ऐसी ड्यूटी को कहा जाता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी. गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बचाव के लिए इस ड्यूटी को विदेशी प्रोडक्ट्स पे लगा देती है. पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. ड्यूटीज दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रेवेन्यू ड्यूटी और दूसरी होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, बचाव वाली ड्यूटी, राइट? रेवेन्यू ड्यूटीज कौन कौन सी हो गई? रेवेन्यू ड्यूटीज तो हो गई जैसे कि बीसीडी, राइट, देन एसडब्ल्यूएस, देन आईजीएसटी. ये सब क्या हो गई आपकी? रेवेन्यू ड्यूटीज, ठीक है. Now, what are protective duties? Safeguard duty, anti-dumping duty. ये सब क्या है? Protective duty. ठीक है, बचाव के लिए सरकार लगाती है safeguard duty, anti-dumping duty. ये सब protective duty. और revenue duties, ये revenue collection के लिए BCD, SWS और IGST. ठीक है. The two types of custom duties are revenue duties and protective duties. Revenue duties किसे कहते हैं? जो कि levy किया जाता है for the purpose of raising revenue. Are those which are levied for the purpose of raising custom revenue. Protective duties क्यों किया लगाया जाता है? ताकि हम अपनी domestic industry को बचा सके. Are intended to give protection to indigenous industries. If resort to protective duties is not met, there could be a glut of cheap imported articles in the market, making the indigenous goods unattractive. ऐसा हो सकता है कि अगर हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी ना लगाएं तो ढेर सारे चीप इंपोर्टेड आर्टिकल्स इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनएट्रैक्टिव हो जाएं कंज्यूमर के लिए और कंज्यूमर उन्हें खरीदना बंद कर दे. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल गिविंग प्रोटेक्शन थ्रू प्रोटेक्टिव ड्यूटीज. द प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन थ्रू प्रोटेक्टिव ड्यूटीज इज गिवन कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स. The protective duty should not be very stiff so as to discourage import. Protective duty ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि import बंद ही हो गया, इतना ज्यादा लगा दिए कि अब वो कोई import ही नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. बस इतना लगाइए जिससे हमारी domestic industry सफर ना करे, ठीक है. अब ऐसा भी मत कर दीजिए कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन हमने प्रोटेक्टिव ड्यूटी इतनी स्ट्रांग लगा दी उसके ऊपर कि वो माल इतना महंगा हो गया कि कोई import ही नहीं करता है, डिमांड है सप्लाई नहीं हो पा रही है, मार्केट में क्राइसिस हो गई उस प्रोडक्ट की, ऐसा भी मत कर दीजिए.
It should be sufficiently attractive to encourage import to bridge the gap between demand and supply of those articles in the market. ठीक है, इतना अट्रैक्टिव हो कि गैप जो है डिमांड और सप्लाई का वो पूरी तरीके से मीट हो सके इंपोर्ट से। इतना जरूर लगाइए कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर भी ना करें, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी के नाम पे दो प्रकार की ड्यूटीज लगाई जाती हैं, एक तो सेफगार्ड ड्यूटी है और दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी है। ठीक है, तो सेफगार्ड ड्यूटी, पहली प्रोटेक्टिव ड्यूटी की बात करें, सेफगार्ड ड्यूटी ये कब लगाई जाती है? अगर सरकार को यह लगता है कि विदेश से ये जो माल आ रहा है ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बैंड बजा के रख देगा, ठीक है, बर्बाद कर देगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस विदेशी प्रोडक्ट पे एक टैक्स लगाती है जिसका नाम है सेफगार्ड ड्यूटी। इससे हमारी इंडस्ट्री को सेफ्टी मिलती है, बचाव मिलता है। ठीक है, इससे विदेशी प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और हमारे देश की इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। तो हमारे देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार जो टैक्सेस लगाती है उसको क्या कहते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज सिंपली द नेम, प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज द नेम, इज अ ब्रॉडर कैटेगरी विच कंप्राइजेस ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज सेफगार्ड ड्यूटी इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट एनी आर्टिकल इज इंपोर्टेड इन टू इंडिया इन इंक्रीज क्वांटिटी। देखिए कब लगता है सेफगार्ड ड्यूटी, थोड़ा बहुत कोई विदेशी माल आ रहा है तो उस पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती। सेफगार्ड ड्यूटी तब लगती है जब विदेश से भारी मात्रा में कोई माल आ रहा है, तभी तो वो हैम्पर करेगा। अब हमारे देश में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, मान लीजिए 1,00,000 यूनिट, 100 यूनिट विदेश से भी आता है, अरे तो कौन सा हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बर्बाद करके रख देगा वो 100 यूनिट। ठीक है, कुछ लोग हैं जो खरीदते हैं उस विदेशी प्रोडक्ट को, अगर भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा, सच इंक्रीज्ड इंपोर्टेशन इज कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू क्रॉस सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और ये भारी मात्रा में इंपोर्ट साबित कर रहा है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। द ड्यूटी इज इंपोज बाई इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, द सेफगार्ड ड्यूटी इज इंपोज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया एमिंग टू मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव। पर्पस ये होता है कि भाई विदेशी माल को महंगा कर देंगे तो अपने आप कॉम्पिटेटिव प्राइस हो जाएगी। राइट, ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, द ड्यूटी इंपोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनफोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन। देखिए सरकार हमारी कह रही है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो विदेशी इंडस्ट्री से लड़ नहीं पा रही थी तो हमने क्या किया, उसको ताकत दी। कैसे दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ताकत, हमने विदेशी प्रोडक्ट पे एक बड़ा टैक्स लगाया, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई उसके ऊपर, क्या नाम से, सेफगार्ड ड्यूटी, उसको महंगा कर दिया और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो अपने आप ही क्या हो गई, जीतने लग गई मैदान में। अब गवर्नमेंट कह रही है कब तक तुमको बच्चे की तरह पालेंगे, अरे जीवन भर तुमको हमेशा सेफ्टी थोड़ी ना देते रहेंगे, अरे कभी तो बड़े हो गए, 4 साल हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे। अरे तुम भी खुद से ताकत लाओ, उस विदेशी कंपनी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, अरे तुम उसके ऊपर हावी हो, 4 साल संभाला ना तुमको। 4 साल तक उस विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट पे हमने क्या किया, ढेर सारी ड्यूटी और टैक्सेस लगाए ताकि उसका माल महंगा हो जाए तुमको बचाने के लिए। अरे 4 साल में भी तुम इतने सक्षम नहीं हुए कि तुम उसको मार पाओ, हम 4 साल उसकी बैंड बजा दिए। सरकार कह रही है कि हमने 4 साल उस विदेशी कंपनी की बैंड बजा दी, उसके बाद भी तुम इस लायक नहीं हुए कि अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, तो 4 साल से ज्यादा हम तुमको बचाव नहीं देंगे। तो ये जो सेफगार्ड ड्यूटी होती है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट कितने साल तक लगाती है, 4 सालों तक लगाती है किसी भी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी, गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगाएगी। इस बात को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बचाव की जरूरत किससे है, हमें बचाव की जरूरत किससे है। हमें बचाव की जरूरत एक छोटे छोटे देश के इंडस्ट्रियों से है या बड़े देश की इंडस्ट्रियों से है, किससे हमें भय है, कौन आके मेरी बैंड बजा सकता है मेरी इंडस्ट्रीज की। जो पिद्दी पिद्दी से देश है, छोटे छोटे से देश है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, वो आके हमको चलाएंगी क्या, कि बड़े बड़े देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आके मेरी हालत खराब कर सकती हैं। निश्चित है डेवलप्ड नेशंस की जो इंडस्ट्री है वो आके हमारी हालत खराब कर सकती हैं। और या फिर अगर डेवलपिंग नेशन की बात करें
डेवलपिंग नेशन की बात करें तो वो लोग हमारी हालत खराब तब कर सकते हैं जब वहां से बहुत ज्यादा माल आ रहा हो, बहुत ज्यादा माल आ रहा हो। तो गवर्नमेंट अब यही बात कहने जा रही है, गवर्नमेंट उल्टी बात कह रही है, एग्जेम्पशन की बात कह रही है कि हम सेफगार्ड ड्यूटी वहां नहीं लगाएंगे अगर माल डेवलपिंग नेशन से आ रहा है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है भाई, वो तुमको कितना हैम्पर कर देगा। डेवलपिंग नेशन से माल आ रहा है वो भी कम आ रहा है, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर डेवलप्ड नेशन से माल आ रहा है, अमेरिका से माल आ रहा है, तो अमेरिका तो बजा सकती है अच्छे से इंडियन इंडस्ट्री की, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है डेवलप्ड नेशन से माल आएगा लगा देंगे हम उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी, अगर छोटे देश से डेवलपिंग नेशन से आ रहा है और भारी मात्रा में माल आ रहा है तो भी लगा देंगे सेफगार्ड ड्यूटी, लेकिन अगर छोटे देश से छोटा छोटा माल आ रहा है, थोड़ा सा माल आ रहा है, उसमें भी डर जाओगे क्या तुम? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री चला रहे हो भाई, छोटे देश से थोड़ा सा माल आ रहा है उससे भी तुम घबरा जाते हो? यहां पे बचाव की आवश्यकता नहीं है। तो कहां पे गवर्नमेंट नहीं लगाएगी सेफगार्ड ड्यूटी, चलिए सुनते हैं। गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएगी अगर छोटे देश से, मतलब डेवलपिंग नेशन से कम माल आ रहा है। ठीक है, अब कम माल की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री so long as the share of import of that article from that country does not exceed 3% of the total import of that article into India. समझाता हूं आपको, हम लोग बात कर रहे हैं कमोडिटी ए की, ठीक है, ये हम लोग हिंदुस्तान में इंपोर्ट करते हैं। कहां कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं पता है? हम इंपोर्ट करते हैं कंट्री एक्स, कंट्री वाई, कंट्री जेड एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कमोडिटी ए का इंपोर्ट करते हैं, कहां से इंपोर्ट करते हैं, कंट्री एक्स वाई जेड इन सब से इंपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उनसे इंपोर्ट करते हैं। एंड व्हाट इज माय टोटल इंपोर्ट 100 लाख। ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं? डेवलपिंग नेशन, सम आर डेवलप्ड नेशंस, इवन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। लेकिन कंट्री एक्स ये डेवलपिंग है, इसमें ये वाली भी डेवलपिंग है, ये वाली भी डेवलपिंग है, जेड वाली भी। अब अगर डेवलप्ड नेशन है तब तो गवर्नमेंट लगा देगी, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग नेशन है और 3% से भी कम वहां से माल आता है, मतलब एक ये एक्स है, अब ये 2 लाख रुपए का माल देती है, ये 1 लाख रुपए का माल देती है, ये 1.5 लाख रुपए का माल देती है, इन सब देशों से जो हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, कंट्री एक्स से इंपोर्ट करते हैं 2 लाख रुपए का, कंट्री वाई से 1 लाख रुपए का, कंट्री जेड से 1.5 लाख रुपए का, क्या चीज? कमोडिटी ए इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में कमोडिटी ए का इंपोर्ट टोटल 100 लाख रुपया होता है। कोई भी छोटा देश 3 लाख रुपए तक का भी माल हमारे देश में नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट कह रही है इन सब पे हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इतना थोड़ा सा माल देते हैं, वो भी कौन सी नेशन है? डेवलपिंग नेशन। हाँ, डेवलप नेशन होगा लगाएंगे, और अगर यही डेवलपिंग नेशन होता 3 लाख से ज्यादा का माल देता तो भी लगाते। मान लीजिए अगर जेड ये 4 लाख रुपए का माल दे रहा होता, 4 लाख रुपए का माल इंपोर्ट हो रहा होता जेड से, क्या हम यहां पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते? लगा देते, इस पे लगा देते, इन लोग पे नहीं लगाते आज भी। क्लियर है बात सबको? तो ये था पहला पॉइंट कि अगर आर्टिकल ओरिजिनेट हो रहा है डेवलपिंग कंट्री से, सो लॉन्ग एज द शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम दैट कंट्री डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया। सेकंड पॉइंट, आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, सो लॉन्ग एज द एग्रीगेट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ईच विथ लेस देन 3% इंपोर्ट शेयर taken together does not exceed 9% of the total import of that article into India. अब क्या बोल रहा है? जिन डेवलपिंग देशों से 3% से कम का इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन उन सब का मिला के 9% से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो भी हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। कब नहीं लगाएंगे उसकी बात यहां पे कर रहा है, तो ऐसे बोल रहा है, कह रहा है अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 3% से कम इंपोर्ट हो रहा है, और सभी देशों को मिला के जिनका 3% से कम इंपोर्ट हो रहा है उनका 9% से भी कम इंपोर्ट हो रहा है, इन एग्रीगेट भी 9% से कम इंपोर्ट हो रहा है, तो कह रहा है उनपे तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। मतलब आइए समझ जाते हैं आपको, सिर्फ डेवलपिंग नेशन की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे समझिएगा, कंट्री
एक्स है, वाई है, जेड है, यू है, वी है, ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। टोटल 16 लाख रुपए का इंपोर्ट है, और भी देश हैं, टोटल 16 लाख रुपए का इंपोर्ट है, ठीक है। कंट्री एक्स से 3 लाख रुपए का इंपोर्ट है, वाई से 2 लाख रुपए का इंपोर्ट है, जेड से 4 लाख रुपए का इंपोर्ट है, ठीक है, इससे 2 लाख रुपए का इंपोर्ट है, और इससे 3 लाख रुपए का इंपोर्ट है। अब पॉइंट नंबर वन की बात को सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि अगर 3% तक का इंपोर्ट होता है डेवलपिंग कंट्री से, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के टोटल इंपोर्ट के 3% तक का इंपोर्ट होता है डेवलपिंग कंट्री से, तो सेफगार्ड ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। क्यों? अरे छोटा देश है, कम माल दे रहा है, किस बात की बचाव चाहिए भैया। तो अब आइए, तो यहां पे सभी छोटे देश हैं, मैंने बताया सभी की सभी डेवलपिंग कंट्री हैं। 16 लाख रुपए का मेरे देश में टोटल इंपोर्ट होता है इस पर्टिकुलर कमोडिटी का, जिसमें से कंट्री जेड से 4 लाख रुपए का माल आता है, इस पे सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा? लगेगा। इस पे अगर गवर्नमेंट लगाना चाहे तो सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेफगार्ड ड्यूटी लग के रहेगा। अरे भैया 4 लाख रुपए का माल आ रहा है लेकिन किसी को कोई डर नहीं है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है। अरे कोई जरूरी तो ही ना, विदेश से माल आता है तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद ही हो जाएगी। विदेश से माल आता है, आता है, ठीक है। अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद होने का डर है तो सरकार चाहे तो इस पे लगा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इन इंपोर्ट्स पे भी लगाया जा सकता है। भाई किसी का 3 लाख से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, 100 लाख में 3% से ज्यादा होना चाहिए तभी लगा सकती है सरकार, यहां तो नहीं लगा सकती। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर उन सब का मिला के, ठीक है, टेकन टुगेदर 9% तक है तो गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, मतलब 9% ज्यादा है तो लगा देगी। आइए देखिए, इन सब का मिला के, किसका मिला के, रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ये 3, 2, 5 और 2, 3, 5, 5 और 5 मिला के कितना हो गया, 10 लाख रुपया। क्या सरकार इन चारों देशों से माल जो आ रहा है इस पे भी सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है? लगा सकती है, क्योंकि मिला के 9 लाख रुपए से ज्यादा है ना। तो कैसे याद रखेंगे, अगर एक डेवलपिंग नेशन का अकेले में 3% से ज्यादा आ रहा है माल तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। अगर सभी डेवलपिंग नेशन जिनका 3% से कम इंपोर्ट हो रहा है उसका टोटल, देखिए इस 4 लाख को नहीं जोड़ना है, जिसका 3% ज्यादा उसको तो अलग कर दीजिए, जिनका 3% से कम है उसका टोटल करिए, और वो अगर मिला के 9% हो जाता है, अगर वो मिला के 9% एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे में उन सभी देशों से जो माल आ रहे हैं उस पे भी क्या लगेगा, सेफगार्ड ड्यूटी। तो सेफगार्ड ड्यूटी यहां भी लग गया और इस 10 लाख यहां भी लग गया, मतलब इन चारों पे भी सेफगार्ड ड्यूटी लग गया, मतलब सभी देशों से जो माल आ रहा था, जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन दी थी, उन सब पे सेफगार्ड ड्यूटी लग गई। हाँ, डेवलप्ड नेशन से माल आ रहा है, अरे भाई वहां तो लगना ही लगना है, ठीक है। इंपोर्ट्स बाई 100% ईओयू, अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग माल इंपोर्ट करेगा तो सेफगार्ड ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी, और यूनिट इन एससीजेड, तो याद कर लीजिए 100% ईओयू के इंपोर्ट पे और एससीजेड के इंपोर्ट पे, यूनिट इन एससीजेड जो है उनके इंपोर्ट पे ये सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है, क्लियर। आइए अब अगली बात करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सेकेंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो डंपिंग वर्ड को समझिए। डंपिंग किसे कहते हैं, डंपिंग समझाने से पहले एक दूसरी बात आपसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात बताइए, मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी का मैन्युफैक्चरर हूं और हिंदुस्तान में वो माल 100 रुपए में बेचता हूं, मैं चाहता हूं वो माल अमेरिका में भी बेचूं, मेरी प्राइस अमेरिका में क्या होगी, 100 से ज्यादा होगी, कम होगी? फिर से सुन लीजिएगा, मैं एक माल बनाता हूं उसका नाम है ए, हिंदुस्तान में वो माल मैं 100 रुपए का बेचता हूं, अब मैं विदेश में भी वो माल बेचना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वो माल 100 रुपए का बेचूंगा विदेश में या 100 से ज्यादा का। ध्यान दीजिए, अगर मैं 100 रुपए का माल हिंदुस्तान में बेच रहा हूं, मैं विदेश में बेचूंगा, मेरे दुनिया भर के और टेंशन होंगे, ठीक है, मैं विदेश में बेचूंगा तो निश्चित है उस माल को 100 से ज्यादा का ही बेचूंगा, 120 बेचूंगा, 130 बेचूंगा, फंडामेंटल यही कहता है बिजनेस का।
ठीक है, फंडामेंटल बिजनेस का ये कहता है कि भाई 100 रुपए में तो हमारे देश में माल बिकता है, फिर क्यों हम दिमाग लगाने जाएंगे दूसरे देश में माल बेचेंगे जाके, 100 में तो मेरा माल बिक ही रहा है हिंदुस्तान में और जितना चाहे जितना बेच भी सकते हैं। तो निश्चित है विदेश, जब निश्चित है बिजनेस जब हम एक्सपैंड करते हैं ना तो प्रॉफिट हमारे बढ़ते जाते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते जाते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम नए मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं इसलिए सस्ता बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हमारी सरकार क्या कर रही है, एक चाइना की कंपनी है, ठीक है, चाइना ने तो ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखा है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचती है कि जो हिंदुस्तान में 100 रुपए में बनता है तो 10 रुपए में बेच डालती है। अब चाइना की उस कंपनी की बदमाशी सुनिए, वो अपने यहां एक पर्टिकुलर माल को 100 रुपए में बेच रही है और उसी माल को हिंदुस्तान में बेच के 60 रुपए में बिकवा रही है, अपने देश में 100 रुपए का बेच रही है, हिंदुस्तान में 60 रुपए का बिकवा रही है। पता है क्यों? वो चाह रही है कि हिंदुस्तान की सारी कंपनी बर्बाद हो जाए, वो ताले लगा दे कि भैया 60 रुपए में तो हो ही नहीं सकता, अरे लागत उसकी ज्यादा आती है, 70-80 रुपया तो लागत है उसकी, कहां से बेचेगा कोई, तो इंडियन कंपनी पूरी बर्बाद हो जाए। और जब बर्बाद हो जाएगी तब मजा लेगी ये चाइना वाली कंपनी, तो जब इंडियन कंपनी सारी बंद हो जाएंगी, कोई माल देने वाला होगा ही नहीं, तो फिर तो जिस रेट में चाहेगी उस रेट में बेचेगी। तो इसने सोचा आज 60 रुपए का बेचेंगे, बाद में 600 रुपए का बेचेंगे हिंदुस्तान में, और तब तक 60 रुपए का बेचेंगे जब तक सारी की सारी कंपनियां ताला ना लगा दें हिंदुस्तान में। आई बात समझ में? तो जब कोई इस तरीके का काम करता है, गवर्नमेंट देखती है कि अपने देश में तुम 100 रुपए का माल बेचते हो, अच्छा, और हिंदुस्तान में तुम 60 रुपए का माल बेचोगे वही, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी कंपनियों के माल पे जब इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट लगाती है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब यही होता है, डंपिंग का मतलब होता है कि अगर अपने देश में तुम सस्ता माल बेचते हो और विदेश में अपने देश में महंगा और दूसरे देश में सस्ता बेचोगे तो इसी को डंपिंग कहा जाता है। और एंटी डंपिंग का मतलब हो गया इस डंपिंग को हम रोक देंगे, सरकार कह रही है कि अभी तुम्हारी डंपिंग हम रोकते हैं, सस्ता माल बिकने ही नहीं देंगे। कैसे नहीं बिकने देंगे? इस 60 रुपए के माल पे हम लगाएंगे टैक्स। गवर्नमेंट कह रही है चलो तुम सस्ता बेचोगे ना यहां, हम 40 रुपए अभी टैक्स लगा देते हैं इसके ऊपर, लो हो गया तुम्हारा माल 100 रुपए का हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट कह रही है तुम सस्ता करो, हम टैक्स उतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि तुम्हारा माल महंगा करके रहेंगे हम। बात समझ में आई? हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद होने नहीं देंगे, ये हमारी सरकार कह रही है। तो ये जो 40 रुपए गवर्नमेंट ने ऐड किया इसी को कहा जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तुमने डंपिंग करने की कोशिश की, तुमने सस्ता माल बेचने की हिंदुस्तान में कोशिश की, हमने सस्ता बेचने नहीं दिया क्योंकि हमने तो उस पर क्या किया, डिफरेंशियल का टैक्स लगा दिया। और ये बात समझ में? तो इसी को कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। आइए पढ़ते हैं हम लोग और इसकी कैलकुलेशन को भी सीखते हैं। When the export price of a product imported into India is less than the normal value of the like article sold in domestic market of the exporter, it is known as dumping. क्या बोल रहा है? Export price क्या है? Is less than normal value of the like article sold in domestic market of the exporter. Exporter के देश में same article की जो normal value है वो कम है, normal value से कम है export price. Export price is less than. एक्सपोर्ट कम में हो रहा है, नॉर्मल प्राइस ज्यादा है उस एक्सपोर्टर की कंट्री में, तो इसको कहा जाता है डंपिंग। ऑल्दो देयर इज नथिंग इनहेरेंटली इलीगल और इमोरल इन एक्सपोर्टर चार्जिंग अ प्राइस लेस देन द प्राइस प्रिवेलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, हालांकि इसको इलीगल नहीं कहा जा सकता। अरे भाई हम में कंपनी, हम अपने देश में 60 रुपए का 100 रुपए का बेच रहे हैं, दूसरे देश में 60 रुपए का बेच रहे हैं, मेरी मर्जी, हम 2 रुपए का बेचे, कोई हमको रोक सकता है क्या? मेरा माल है, हमको घाटा हो रहा है तो हो रहा है, हमको हो रहा है, हम किसी का चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम खुद अपने आपको घाटा दे रहे हैं, दे सकते हैं। तो ये गैर कानूनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गैर कानूनी नहीं, आपके दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि ये इलीगल चीज हो रही है, इलीगल नहीं है, ये लीगल है, धंधा है, हम जैसे चाहे जैसे करें, हमारे 100 रुपए का माल हम जितने में बेचे मेरा माल है, ठीक है, तो इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। Designated authority can initiate necessary action for investigation and subsequent imposition of anti-dumping duties. तो हमारे देश की authorities फिर उसको investigate करती है, check करती है, और government को लगता है कि नहीं भाई ये लोग तो बर्बाद कर देंगे हमारी industry को, हालांकि illegal नहीं है, ठीक है, हम जितने का माल बेचे competition है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी government क्या करती है, इस पर anti-dumping duty लगाती है। If such dumping causes or threatens such material injury to the domestic industry of India. हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी 100 रुपए का माल हिंदुस्तान में 60 रुपए का बेचेगा तो हम एंटी डंपिंग लगा देंगे। अरे उसके 60 रुपए की बेचने की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही है तब लगा देंगे,
उसके 60 रुपए की बेचने के बाद भी हमारी इंडस्ट्री एकदम बल्ले बल्ले है, मस्त है एकदम, तो फिर जरूरत क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की? एंटी डंपिंग एक्शन कैन बी टेकन ओनली व्हेन देयर इज एन इंडियन इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस लाइक आर्टिकल्स व्हेन कंपेयर्ड टू द एलिजिबली डंप्ड इंपोर्टेड गुड्स। हम कब लगाते हैं? जब जो आइटम इंपोर्ट हो रहा है वैसा ही माल हिंदुस्तान में भी बनता है। फर्दर दिस ड्यूटी इज कंट्री स्पेसिफिक, दैट इज इंपोज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर कमोडिटी ए, हमने यही कहा ना कमोडिटी ए जो है चाइना 100 रुपए में अपने देश में बेच रही है, हमारे देश में 60 रुपए का बेच रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, चाइना से जब माल आया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। लेकिन वही ए प्रोडक्ट हम जापान से भी लाते हैं, जापान से भी मंगा रहे हैं, क्या उस पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे? नहीं। अब हम ये चेक करेंगे क्या वो जापान वाली कंपनी जो है जापान में कितने का बेचती है, हिंदुस्तान में कितने का बेचती है। हो सकता है वो जापान में 100 रुपए का बेचती है और हिंदुस्तान में तो 125 का बेचती है, तो भाई जापान से जब माल आएगा तो एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे। तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है। हम वही माल चाइना से आया लगा दिया एंटी डंपिंग, जापान से आया नहीं लगाया, अमेरिका से आया नहीं लगाया, ऑस्ट्रेलिया से आया लगा दिया। डिपेंड करता है कि डंपिंग है कि नहीं है, और डंपिंग का मतलब क्या होता है, अपने देश में कितने का बेचा और दूसरे देश में कितने का बेचा, ठीक है। अगर वो एक्सपोर्ट कम में करेंगे डोमेस्टिक मार्केट वाली प्राइस से, ठीक है, अपने देश की प्राइस से कम में एक्सपोर्ट करेंगे तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी देश लगाएगी। डंपिंग का मतलब क्या है, डंपिंग तभी कहा जाता है जब नॉर्मल मार्केट वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग, नॉर्मल वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग मार्केट ज्यादा है, एक्सपोर्ट प्राइस कम है। अपने देश में प्राइस ज्यादा, चाइना में 100 रुपया, हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया जा रहा है 50 रुपया 60 रुपया, तो ये होती है डंपिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटी की कंप्यूटेशन कैसे होती है ये देख लीजिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। मैं आपको लिखवा देता हूं इसे, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन। मार्जिन ऑफ डंपिंग किसे कहा जाता है, नॉर्मल वैल्यू में से आप लेस कर दीजिए, नॉर्मल वैल्यू माइनस कीजिए इसमें से एक्सपोर्ट प्राइस, इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ डंपिंग। तो ये जो मैं बता रहा था ना कि 100 रुपए का चाइना में बिक रहा है, 60 रुपए का हिंदुस्तान में बिक रहा है, तो 40 रुपया को कहा जाता है मार्जिन ऑफ डंपिंग और इतनी ड्यूटी लगा दिया जाता है, ठीक है। हालांकि कंपेयर किया जाएगा, ये तो हम मार्जिन ऑफ डंपिंग निकाले 40 रुपया, फिर इंजरी मार्जिन से कंपेयर करेंगे, जो कम होगा वो लगाएंगे, ठीक है। और इंजरी मार्जिन क्या होता है, इंजरी मार्जिन का मतलब होता है फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू, लैंडेड वैल्यू क्या होता है मालूम है कि नहीं, एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, इसको बोला जाता है लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू का मतलब होता है हमारे देश में वो माल कितने का पड़ा जीएसटी लगाने के पहले, ठीक है, ये होता है लैंडेड वैल्यू। फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, लैंडेड वैल्यू का मतलब हो गया कि भाई हमारे देश में कस्टम ड्यूटी बीसीडी वगैरह जोड़ने के बाद वो कितने का पड़ा, हमारे देश में बीसीडी वगैरह जोड़ने के बाद वो माल पड़ा 4 लाख रुपए का। फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब है वो पड़ना कितने का चाहिए था, वो पड़ तो रहा है 4 लाख रुपए का, लेकिन सच पूछो तो 4 लाख का नहीं पड़ना चाहिए, वो पड़ना चाहिए 6 लाख रुपए का। ये सब विदेश वाले बहुत सस्ता माल बेच रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं हमारे देश की इंडस्ट्री को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो माल पड़ना चाहिए था, फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब होता है पड़ना कितने का चाहिए था वो माल। गवर्नमेंट कह रही है वो पड़ना चाहिए था 6 लाख रुपए का, वो पड़ा है आपको कितने का, 4 लाख रुपए का। 2 लाख रुपया क्या है, इंजरी मार्जिन है। फिर से रिपीट करता हूं, मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है, मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है, वो माल
विदेश में कितने का बिकता है, वो माल विदेश में बिकता है 100 रुपए का, हमारे देश में उसको कितने का एक्सपोर्ट किया जा रहा है 60 रुपए का, तो 40 रुपए कहलाती है मार्जिन ऑफ डंपिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंजरी मार्जिन क्या होती है, मुझे वो माल बीसीडी वगैरह मिला के पड़ा हिंदुस्तान में, पता है कितने का, कितने का पड़ा, 4 लाख रुपया। हालांकि उस माल को पड़ना कितने का चाहिए था, उसे कहा जाता है फेयर सेलिंग प्राइस, उसे पड़ना चाहिए था 6 लाख रुपए का, पड़ा है 4 लाख रुपए का, पड़ना चाहिए था 6 लाख रुपए का 2 लाख रुपया। ये मुझे जो सस्ता पड़ा है उसी को कहा जाता है इंजरी मार्जिन। अब सरकार इन दोनों में से जो कम होता है उसी को क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरह लगा देती है। अब मैं आपके एग्जाम की बात करता हूं, एग्जाम में कभी कभी आपको ये चारों इंफॉर्मेशन नहीं देता, या तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दे देगा या तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दे देगा, तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी, अगर मार्जिन ऑफ डंपिंग निकल रहा है तो उसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लीजिए। अगर आप सिर्फ इंजरी मार्जिन निकाल पा रहे हो क्वेश्चन में क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इतनी है, तो इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लीजिएगा। अगर दोनों निकाल पा रहे हो तो लोअर को एंटी डंपिंग ड्यूटी बना लीजिएगा, राइट। तो मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर, द एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी इंपोज्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए कोई भी दूसरे जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लग रहे हैं वो वैसे के वैसे लगते रहेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगेगा तो वो इन एडिशन होगा, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए दो चीजें जाननी होती है, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग और दूसरा इंजरी मार्जिन। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया, नॉर्मल वैल्यू में से एक्सपोर्ट प्राइस घटा दीजिए, ठीक है। और ये रहा एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल वैल्यू को डिफाइन किया है, आपको पता है नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है कि अपने देश में कितने का बिक रहा है एक्सपोर्टिंग कंट्री के देश में, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, कितने में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आई एम नॉट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन, यू आर नॉट इवन रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना मैंने ये बनाया है ना चार्ट, बस इसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इंजरी मार्जिन क्या होती है, इंजरी मार्जिन होती है फेयर सेलिंग प्राइस। फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब होता है माल कितने का पड़ना चाहिए, और लैंडेड वैल्यू का मतलब होता है कितने का माल पड़ा कस्टम ड्यूटी मिला के, ठीक है। कस्टम ड्यूटी और ये ईसी एसएससीसी काट दीजिए बच्चों, यहां पर लिखिएगा एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। हाँ, पहले ईसी एंड एसएचएसी हुआ करता था, ये मिस प्रिंटिंग है यहां पे। ठीक है, फेयर सेलिंग प्राइस को नॉन इंजूरियस प्राइस भी कहा जाता है, पता है क्यों कहा जाता है, लैंडेड वैल्यू का तो मतलब हो गया मुझे कितने का पड़ा, और नॉन इंजूरियस प्राइस का मतलब ये हो गया कि अगर वो लोग बर्बाद करने की ना सोचे होते, इंजरी करने की ना सोचे होते डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो कितने का देते, वही होगी फेयर सेलिंग प्राइस, मतलब कितने का देना चाहिए था। ये तो इंजरी करना चाहते हैं तब ना बीसीडी वगैरह मिला के मुझे 4 लाख का पड़ा, अगर इंजरी नहीं करना चाहते तो 6 लाख का पड़ता, ये तो इंजरी करना चाहते हैं इसलिए 4 लाख रुपए का मुझे पड़ा है। बात समझ में आई, तो नॉन इंजूरियस प्राइस कहते हैं फेयर सेलिंग प्राइस को। आइए अब इलस्ट्रेशन है, इसे हम लोग पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व भी करेंगे, राइट। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इंपोर्टेड रोल्स रॉयस कार फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अरे वाह, क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रॉयल रॉयस कार मंगा रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या बात है। फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, कॉस्ट क्या है, 3 करोड़ रुपए की तो कार है भाई, सही बात है, इसीलिए तो मैंने कहा क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए 3 करोड़ की कार मंगा रही है विदेश से, 3 करोड़ की कार। कस्टम ड्यूटी 10% बीसीडी की बात कर रहा है, ठीक है। आईजीएसटी 28% है, वैसे तो मैं आपको बता दूं हर महंगे प्रोडक्ट पे 28% है, तो लग्जरी है, सुपर लग्जरी आइटम है, ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये कार होगी। 28% आईजीएसटी, और उस पर से कंपनसेशन सेस भी लगाती है गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स पे। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, अच्छा इसका कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कार का वैसे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार लेते हो, पढ़ा है ना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, कि अगर आप उस कार की वजह से ही आउटपुट सर्विस देते हो, जैसे मैं कार ड्राइविंग सिखाता हूं, मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं, ट्रक खरीदिए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं, तो मुझे क्रेडिट मिलती है, तो वैसे ही इसे क्रेडिट मिलेगी। अब मैं कार खरीदता हूं और क्लासेस लेने के लिए घर से
कोचिंग तक आता हूं तो मुझे क्या उस कार की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अगर साइकिल से आऊंगा तो भी क्लास तो ले ही पाऊंगा। सरकार कह रही है ऐसा थोड़ी ना कि कार से आओगे तभी क्लास लोगे। बात समझ में आ रही है? मेरे कार से आने से मेरे बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सरकार मुझे क्रेडिट नहीं देती है। ठीक है, अब मैं कार इसलिए खरीदता हूं क्योंकि मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं, मैं ट्रेवल्स वाला हूं, तो भैया कार की वजह से ही मैं कमाता हूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मुझे कार के रिस्पेक्ट में जो जीएसटी पे की है उसकी क्रेडिट दे देती है। तो एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हैव आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 120 लाख। तो ठीक है, जितना आई जीएसटी हम कार के इंपोर्ट पे करेंगे ना वो हम घटा लेंगे 120 लाख की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी लाइबिलिटी। कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी है, कितनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी है ये बताइए। तो 120 लाख की जीएसटी पे नहीं करनी है, उसमें से क्रेडिट लेके बैलेंस पे करेंगे, और कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी है वो कैलकुलेट करा देते हैं। खुद से करना चाहेंगे या देखेंगे? देख ही लो तुम लोग तो कि करोगे। करो, मजा आएगा, आओ मेरे साथ साथ। आंसर वन, आप भी कॉपी में कीजिए मेरे साथ। एसेसेबल वैल्यू लिखिए 3 करोड़। ठीक है, प्लस बीसीडी एट द रेट ऑफ 10% 30 लाख। फिर लिखिए एसडब्ल्यूएस एट द रेट ऑफ 10% 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? बीसीडी। 30 लाख का 10% 3 लाख। ठीक है, जोड़ दीजिए। ये जो आता है इसी को कहा जाता है लैंडेड वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 3 करोड़ 33 लाख। आप भी कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ साथ? कोई आलस नहीं, जो भी बच्चा लिखना अभी शुरू नहीं किया वो शुरू कर दे। लैंडेड वैल्यू 3 करोड़ 33 लाख प्लस इसके बाद आईजीएसटी, आईजीएसटी एट विच रेट? एट द रेट ऑफ 28%। 28% किसका? यही 3 करोड़ 33 लाख का लगेगा। करिए जा कैलकुलेट। 3 करोड़ 33 लाख इंटू 28% ये आ रहा है 93,24,000। ठीक है, प्लस इसके बाद अभी जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, ये 20% किसका लगता है बच्चों? ये भी उसी वैल्यू का लगता है, लैंडेड वैल्यू का ही। ठीक है, इसका 20% हो जाएगा 66,60,000। ये हो रहा है 4,92,84,000। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। वाह भाई, 3 करोड़ रुपए की कार थी, टैक्स मिला के 5 करोड़ की हो गई। ठीक है, तो ये देखिए गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है। 3 करोड़ की कार तुम विदेश से मंगाए, 5 करोड़ रुपए हो गई वो, 2 करोड़ रुपए सरकार ले ली उसका। तो कस्टम ड्यूटी पेबल, फोर करोड़ 92,84,000 और माइनस 1,92,84,000। ठीक है, ये हो गया कस्टम ड्यूटी पेबल। जीएसटी पेबल भी निकाल दें, जीएसटी पेबल भी निकाल लो, आईजीएसटी पेबल बोलेंगे उसको। आईजीएसटी तुम्हारा आउटपुट टैक्स कितना था? 1,20,00,000, 1,20,00,000 रुपया। इसमें से बच्चों घटाओ तुम्हारा आईटीसी कितनी की मिलेगी, ये रही आईटीसी 93,24,000।
तो ये हो जाएगा 26,76,000 योगी आई जीएसटी। कर लीजिए कॉपी आराम से। हो गया सबका? आ जाए दूसरे इलस्ट्रेशन पे आइए, सेकेंड इलस्ट्रेशन। डिटरमिन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाई एक्स लिमिटेड। सेफगार्ड ड्यूटी की बात हो रही है। देखिए सेफगार्ड ड्यूटी तब पे होती है जब किसी डेवलपिंग नेशन से हम 3% से ज्यादा टोटल इंपोर्ट का कर ले, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपोर्ट हमारे देश में जितना होता है एक पर्टिकुलर डेवलपिंग नेशन से 3% से ज्यादा हो रहा है उसका, तो वहां पे हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते हैं। और अगर इंडिविजुअली किसी देश का 3% ज्यादा नहीं हो रहा है तो भाई जो जो देश का 3% से कम हो रहा है उसका एग्रीगेट लेते हैं डेवलपिंग नेशन का, और अगर 9% ज्यादा हो जाता है तो भी हम लगा देते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। डिटरमिन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम 26 फरवरी 2018 टू 25 फरवरी 2019 बोथ डेज इंक्लूसिव ₹50 crores राइट। टोटल इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इज 2500 crores। टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है वो 2500 करोड़ का है और एक्स लिमिटेड ने एक डेवलपिंग कंट्री से 50 करोड़ रुपए का सोडियम नाइट्रेट खरीदा है, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी 30% की है। वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इन केस इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इज 80 करोड़। अच्छा 50 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं तब बताइए लगेगा कि नहीं सेफगार्ड ड्यूटी, और 80 करोड़ कर रहे हैं तब लगेगा कि नहीं। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेट क्या करना है इलस्ट्रेशन टू में, आंसर टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट निकाल लीजिए। हम 50 करोड़ रुपए का माल इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि टोटल इंपोर्ट उस पर्टिकुलर माल का 2500 करोड़ का होता है, तो भाई देख लो क्या परसेंट हुआ, 2500 करोड़ में 50 को 2% हुआ, ठीक है। तो सेफगार्ड ड्यूटी विल नॉट बी पेबल, सेफगार्ड ड्यूटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन इन केस और करके दूसरा पार्ट भी था क्वेश्चन का, अगर 80 करोड़ का है तो परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट फिर कितना हो गया देख लीजिए, 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 2500 करोड़, दिस इज 3.2%, ठीक है। तो सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी, सेफगार्ड ड्यूटी कितनी है 30% बोल रहा था, तो 30% इंटू 80 करोड़, 24 करोड़ रुपए की सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी। कर लो बच्चों, लिख लो लिख लो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 50 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहा है तब तो भाई
कम इंपोर्ट हो रहा है, डेवलपिंग नेशन से आ रहा है माल, तो गवर्नमेंट नहीं लगा रही है सेफगार्ड ड्यूटी, 3% ज्यादा हो गया लगा रही है। आइए अगला इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 3, डिटरमिन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड एंड ए लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 फ्रॉम द फॉलोइंग। इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम 26 फरवरी 2018 टू 25 फरवरी 2019 बोथ डेज इंक्लूसिव। अच्छा, कितना इंपोर्ट ये सब कंपनियां कर रही हैं, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, सारे लोग सोडियम नाइट्रेट इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड ने इंपोर्ट किया एक डेवलपिंग कंट्री से 70 करोड़, वाई लिमिटेड ने इंपोर्ट किया 72 करोड़ का एक डेवलपिंग कंट्री से, जेड लिमिटेड ने इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से इतना, ए लिमिटेड ने इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से इतना, बाकी भी बहुत सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान की डेवलप नेशंस इंपोर्ट की 2256 करोड़ का, टोटल इंपोर्ट हो गया 2500 करोड़ का। तो भाई जितने लोग भी डेवलपिंग नेशन से माल मंगाए हैं उन सब का हम देख लेते हैं पहले, तो परसेंटेज कितना कितना है। ठीक है, तो ये 70 करोड़ मंगाए हैं, तो 70 करोड़ डिवाइडेड बाई 2500 करोड़ करके चेक करिए, 70 डिवाइडेड बाई 2500 कितना होता है, 2.8%। तो भैया यहां तो नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वाई इसका अभी 3% नहीं है, जेड से भी 3% नहीं है, ये हम 2500 करोड़ रुपए पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर अगर मान लीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं, चारों का हम टोटल देख लेते हैं, 3% इंडिविजुअली नहीं है, एग्रीगेट में कितना है, 9% ज्यादा हो रहा है एग्रीगेट। तो अब जितने लोगों से भी ये इंपोर्ट किया गया है सभी पे सेफगार्ड ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये देखिए एक्स वाई जेड ए लिमिटेड सारे लोग सेफगार्ड ड्यूटी पे करेंगे। अच्छा, क्या ये जो माल मंगाया गया इस पे भी सेफगार्ड ड्यूटी पे करना है? हां करना है, लेकिन ये बताना नहीं था क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि सेफगार्ड ड्यूटी ये लोग कितना पे करेंगे, एक्स वाई जेड और ए लिमिटेड, बस ये बताइए, बाकी भी पे करेंगे कि नहीं है अदर? हां ये भी पे करेंगे, ये डेवलप नेशन से मंगाई तो पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और डेवलप, देखिए डेवलप नेशन तो इनसे तो ज्यादा ही डर है, डेवलपिंग नेशन से माल ज्यादा आ रहा है तब डर है, और डेवलप नेशन से तो डर है ही है। ठीक है, डर कब नहीं है, डेवलपिंग नेशन से थोड़ा सा माल आता है। ठीक है, तो सभी पे सेफगार्ड ड्यूटी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सभी डेवलपिंग नेशन से मिला के माल जो आ रहा है वो 9% से ज्यादा है। आइए अगला देखा जाए, इलस्ट्रेशन 4, रेडी। डिटरमिन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ए लिमिटेड। अच्छा, फिर से वही बातें, अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 फ्रॉम द फॉलोइंग। इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम 26 फरवरी 2018 टू 25 फरवरी 2019, साल भर का इंपोर्ट बता रहा है सोडियम नाइट्रेट का, एक ही आइटम है। एक्स से एक डेवलपिंग कंट्री है, एक्स लिमिटेड ने एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया है 70 करोड़ का, वाई लिमिटेड ने एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया 82 करोड़ का, जेड ले डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया 52 करोड़, ए लिमिटेड ने इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से 50 करोड़, बाकी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश की डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट की 2246 करोड़, टोटल 2500 करोड़। तो अब चारों का परसेंटेज निकालिए कितना हो रहा है। अगर हम चारों का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो एक का वाई लिमिटेड जो है उसका इंपोर्ट मोर देन 3% है, तो भाई वाई लिमिटेड जो इंपोर्ट कर रही है वो तो सेफगार्ड ड्यूटी पे करेगी, वाई का 3% ज्यादा इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट के, मतलब 82 करोड़ डिवाइडेड बाई 2500 करोड़ हम कर रहे हैं, तो मुझे मिल रहा है 3.28 करोड़। बाकी जिनका 3% से कम है अगर उनकी जोड़ लगाई जा रही है तो 9% से कम आ रहा है जोड़ भी, तो भाई ये लोग से सेफगार्ड ड्यूटी नहीं ली जाएगी, बस इससे ली जाएगी। तो 82 करोड़ का 30%, 24.60 करोड़ ये वाई लिमिटेड पे करेगा। कोई तकलीफ हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर है सबको? इलस्ट्रेशन 5,
A commodity is imported into India from a country covered by a notification issued by the central government under section 9A of the Customs Tariff Act 1975. Following particulars are made available. CIF value of the consignment is $25,000. Achha, CIF value matlab accessible value. Quantity imported is 500 kg. Exchange rate applicable 60 rupees per US dollar. Basic custom duty BCD 12%. यहां पे बच्चों इसको जरा काटिए और यहां पे लिखिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज. सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा, रेट नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो फिक्स है ना 10%. हाँ, गोल्ड सिल्वर वगैरह के केस में 3% भी होता है. एज पर द नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 70 यूएस डॉलर पर केजी एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. कह रहा है कि 70 यूएस डॉलर पर केजी और लैंडेड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, मतलब ये 70 डॉलर जो बता रहे ना, ये फेयर सेलिंग प्राइस बता रहा है. क्योंकि फेयर सेलिंग प्राइस और लैंडेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, इंजरी मार्जिन. याद आ रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है वो दो चीजों पे बेस्ड होती है, एक तो मार्जिन ऑफ डंपिंग और दूसरा इंजरी मार्जिन. तो मार्जिन ऑफ डंपिंग यहां बता नहीं रहा, इंजरी मार्जिन बस बता रहा है. कह रहा है कि इसके और लैंडेड वैल्यू के डिफरेंस ये क्या है, ये फेयर सेलिंग प्राइस होगा. ठीक है, तो 500 केजी 25,000 यूएस डॉलर में आया नहीं, यानी 50 रुपए के भाव से आया है और 70 रुपया को वो फेयर सेलिंग प्राइस मान रहा है. ठीक है, अप्रेज द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल ड्यूटी सेस एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी. एज्यूम दैट द बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड ये नहीं होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड SWS आर पेबल. IGST एट 12% इज ऑल्सो एप्लीकेबल. IGST भी है 12% का. ठीक है बच्चों, किया जाए कैलकुलेट. देखिए एसेसिबल वैल्यू 25,000 यूएस डॉलर है, इसको तुरंत 60 रुपए के रेट पे कन्वर्ट कर दीजिए. ये 60 रुपए का रेट दिया हुआ था यहां, 1 US dollar इज इक्वल टू 60 रुपीज. तो 60 रुपीज के रेट पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया एसेसिबल वैल्यू इन इंडियन रूपी 15 लाख रुपया. ठीक है, अब इस पर BCD जोड़ दीजिए. ठीक है, मैं करवाऊं क्या आपको? आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए आप भी मेरे साथ साथ आंसर 5. एसेसिबल वैल्यू इन यूएस डॉलर दिस इज 25,000. देन हम निकालेंगे एसेसिबल वैल्यू इन रूपी, और कैसे निकलेगा ये, 25,000 इंटू 60 रुपए करेंगे तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपीज. ठीक है, 15 लाख रुपया प्लस इसमें हम जोड़ेंगे बीसीडी एट द रेट ऑफ, क्या रेट है, 12% का. बच्चों 12% कितना होता है 15 लाख का? 1,80,000. ठीक है, प्लस SWS एट द रेट ऑफ 10% किसका, 1,80,000 का. तो 1,80,000 का कितना हो जाएगा, 18,000. ठीक है, जोड़ दीजिए इन तीनों को. अच्छा, अभी एक चीज और बाकी है, रुक जाइए. इसको कहा जाता है लैंडेड वैल्यू. ठीक है, अब एक थोड़ी सी जगह छोड़िए, वर्किंग नोट लिखिए. वर्किंग नोट लैंडेड वैल्यू लिख लीजिए, जोड़ कर लीजिए 15 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 18,000 16,98,000. अब थोड़ी सी जगह छोड़िए, वर्किंग नोट बनाना है, हमको एंटी डंपिंग ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है. वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी.
fair selling price. फेयर सेलिंग प्राइस कह रहा था कि आप रखिएगा $70 दिखाऊं क्वेश्चन में. फेयर सेलिंग प्राइस कह रहा था $70 रखिएगा, ये रहा 500 किलो का $70 के हिसाब से इंटू ₹60 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए. तो 500 किलो का $70 पर केजी है, ठीक है. और तो ये अब डॉलर में हो जाएगा, ये वैल्यू 500 इंटू 70 करेंगे तो ये डॉलर में आ गया, $70 पर केजी की वैल्यू. अब इंटू 60 करेंगे तो इंडियन रुपी में हो जाएगा, तो 500 इंटू 70 इंटू 60 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21 लाख रुपीस, ठीक है. इसमें से घटा दीजिए लैंडेड वैल्यू. लैंडेड वैल्यू अभी ऊपर निकाली हो आप 16,98,000, वही कर दीजिए 16,98,000. डिफरेंस देखिए कितना है, 4,02,000. इसको इंजरी मार्जिन बोला जाता है, वैसे तो इसको बोला गया जाता है इंजरी मार्जिन. और इंजरी मार्जिन की फर्दर कंपैरिजन की जाती है, ठीक है. और कंपैरिजन करने के बाद जो लोअर होता है ना वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, लेकिन कंपैरिजन का मेरे पास स्कोप नहीं है, ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बस यही इंफॉर्मेशन है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्राइस क्या था, तो मैं डंपिंग नहीं निकाल पाऊंगा. डंपिंग निकालता, इंजरी मार्जिन निकालता, दोनों का लोअर लेता, लेकिन डंपिंग निकाल कहां पाऊंगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्या भाव है वो बता ही नहीं रहा है, ठीक है. तो यहां पर क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि ₹70 पर केजी और लैंडेड वैल्यू का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है आपको. मतलब वो साफ इशारा कर रहा है इंजरी मार्जिन ही पकड़नी है आपको, ठीक है. तो ₹4,02,000 एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी 4,02,000 जोड़ दीजिए 21 लाख, ठीक है. अब निकालिए इस पे IGST एट द रेट ऑफ 12%. 12% किसका, इसका 21 लाख रुपए का, 2,52,000. IGST जो लगता है ना वो पूरा टैक्स जोड़ के, कस्टम ड्यूटी जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे लगता है, ठीक है. तो कोई भी ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ही नहीं, कोई और दूसरी ड्यूटी होती, सेफगार्ड ड्यूटी होती, तो वो जोड़ देते फिर उसके बाद IGST लगाते हैं. तो 23,52,000, ठीक है. कस्टम ड्यूटी पेबल कितना हो जाएगा, ₹23,52,000 माइनस 15 लाख, 8,52,000 रुपया. 23,52,000 टोटल वैल्यू आ गई है, 15 लाख रुपए का माल था, तो 8,52,000 क्या लग गया उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, कर लीजिए इसे. So right students, so this was all about this chapter, types of duty, right. We have completed this chapter and we'll meet in the next class with new chapter.